अधिकार दिए, रोजगार की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। अगर हमें हमें राशन क्यों दे रहे हो, हमें भाषण क्यों दे रहे हो, हमें नौकरी दे दो, हमें काम दे दो, हम अपना घर बना लेंगे, अपना स्कूल बना लेंगे, अपने लोगों को डीएम कलेक्टर बना लेंगे, अपने लोगों को मंत्री एमएलए बना लेंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी तभी बनेंगे जब इस देश में लोकतंत्र की सही स्थापना होगी। जो हमारे दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग बीजेपी कांग्रेस से जीत के जाते हैं, जब इन दलितों की अधिकार खतरे में होते हैं तो संसद में बोलते नहीं है साहब। लेकिन सर जो आज स्थिति है बीएसपी का, इसका जिम्मेदार कौन है? बीएसपी का जिम्मेवार हम किसी पे नहीं थोपते हैं। हमने माननीय कांशीराम जी को के विचारों को समझा नहीं है, मानवर का छल कपट से हमारे लोगों को गुमराह करके उनको खरीदा जाता है, बहकाया जाता है। ईवीएम यदि जुम्मेवार है तो इसमें हमारे भी पार्टी के लोग जुम्मेवार हैं। लेकिन बहन जी कि यदि ईवीएम पे, सुनिए सुनिए, आप ईवीएम के जिक्र कर रहे हैं, बहन जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया इस वजह से हम आ रहे हैं। देखो बहन जी कोई भी व्यक्ति जब कमजोर होता है तो होपलेस हो जाता है, और वो आधा बयान उनका छापा आधा नहीं दिखाया। ये ईवीएम और महंगाई, मनमर कांशीराम जी कहते थे महंगाई सबके लिए है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, ईवीएम भी सबके लिए है। लेकिन अगर हमारे लोग ईवीएम पे सही पढ़े लिखे लोग खड़े होकर अपने वोट की रक्षा करेंगे तो ईवीएम भी आपके काम आ जाएगी। अब क्या सुधार करने चाहिए पार्टी? पार्टी को, पार्टी गिरी है अब, दिल्ली उत्तर प्रदेश से गिरी है। दिल्ली वालों की नैतिक जिम्मेवारी है कि दिल्ली में जो हमारा वोट परसेंट कम हुआ है उस वोट को हम वापस लाने जा रहे हैं। इस नगर निगम चुनाव में ये रोका क्यों जा रहा है? इस बार आ जाएगा। यदि वर्तमान स्थिति में जैसी नगर निगम की जो परसीमन हुआ है, यदि इसी परसीमन से चुनाव हुआ तो हमें दिल्ली में 70 नगर निगम पार्षद मिलने जा रहे हैं। सर आपके नेता तो जनता के बीच जाते नहीं, कौन वोट देगा आपको? हमारा जनता ही हमारी नेता है, हमारी जनता खुद लड़ेगी और जनता ही खुद वोट देगी, खुद रक्षा करेगी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस देश में अभी चुनाव करा दो दिल्ली में। आज आपको कार्यक्रम दिल्ली में करने चाहिए थे या फिर यूपी में आना चाहिए था आपको? नहीं नहीं, यूपी का ये गेट है, मेन गेट है दिल्ली में एंट्री करने के लिए, तो पहले से हमारा दिल्ली के पहले से हमारे निर्धारित कार्यक्रम है कि हम 15 मार्च नोएडा में मनाएंगे, और जिस दिन कांशीराम जी का पुण्यमार दिवस हुआ 9 अक्टूबर को, उस दिन हम दिल्ली में मनाएंगे। तो ये पूर्व के समय से निर्धारित कार्यक्रम है, इनको डिस्टर्ब करने से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सर कुछ लोग कोऑर्डिनेटर जो प्रभारी उन पे आरोप लगा रहे हैं, किस स्थिति के जिम्मेदार वो लोग? देखो कोऑर्डिनेटर का आरोप नहीं है, उनकी सोच में आरोप है। कोऑर्डिनेटर कैसा भी हो, कोई भी हो, यदि हमें मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए काम करना है तो मुझे सीपी सिंह में कांशीराम दिखना चाहिए, सीपी सिंह में बहन मायावती दिखनी चाहिए, लक्ष्मण सिंह में मायावती दिखनी चाहिए, लक्ष्मण सिंह में कांशीराम दिखना चाहिए, और जो हमारा नीचे से लेकर बूथ से लेकर के और सेंटर तक जो कार्यकर्ता है उसको अपने आप को कांशीराम और बाबा साहब अंबेडकर समझना होगा, तब हम इस मिशन को पूरा। दिखाई नहीं दिया आपको कांशीराम, वो तो कई सालों से है दिल्ली में। देखो ऐसा नहीं है, फौज लड़ती है, नाम सरदार का होता है। हमें दिल्ली के लोगों को, ग्रास रूट के लोगों को समझना होगा कि हम अगर पार्षद बना देंगे तो सीपी सिंह जी क्या करेंगे, उनको हटा थोड़ी देंगे। यदि हम एमएलए बना देंगे तो क्या सीपी सिंह जी हटा देंगे, या हम एमपी बना देंगे दिल्ली में तो क्या सीपी सिंह जी हटा देंगे? तो जो लोग बन के आएंगे वो लोग संभालेंगे। आप भी मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ है सर? हाँ, ईवीएम में बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इन्होंने परसेंटेज का एक
आईना दिखा करके ईवीएम को पीछे की तरफ रखा है। सही मायने में ईवीएम अगर यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो ये पार्टी मतलब जो ना बीजेपी बहुत पीछे आ जाएगी। अभी पीछे जो ना जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे 27 सीटों पर, दिल्ली की सर सवाल एक बार 27 सीटों पर चुनाव हुए थे और वो चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। उस बैलेट पेपर में 27 में से 2 सीटें बीजेपी को मिली और 25 सीटें दूसरी पार्टियों को मिली, बीएसपी को मिली। 22 सीटें बीएसपी को मिली, उसमें जो है सबसे ज़्यादा तादाद में बीएसपी को मिली। तो अगर हम चुनाव बैलेट पेपर से कराते हैं तो बहुजन समाज पार्टी आगे रहेगी। लेकिन सर अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, यूपी में कुछ नहीं हुआ? यूपी में बहुत कुछ हुआ, यूपी में काफ़ी सीटें निकली है बहुजन समाज पार्टी। नहीं, नंबर पर तीसरे पर नहीं रहे, जो हमारे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो दूसरी जगह जाकर के चुनाव लड़े। टिकट बंटवारे में दिक्कत होती है? टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसे मान लो 10 आदमी खड़े हैं, अब टिकट तो एक आदमी को ही मिलना है, इसीलिए वो जो 9 आदमी बचे वो 9 आदमी दूसरी जगह जाकर चुनाव लड़े तो उनका अपनी पकड़ के आधार पर वो निकले, लेकिन वो थे बीएसपी के, तो इसलिए हमारा वहाँ 1000 आदमी वो जीता है। वो बिल्कुल ठीक है, और दरअसल क्या है कि हमारे लोगों को जब यही नहीं समझ में आता कि बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी सर्व समाज की है, सर्व समाज के लिए पार्टी बनी है, और जिस तरह का ये जो मशीन है, जो ईवीएम का जो चक्कर है ईवीएम के चक्कर के अंदर ये थोड़ा सा वो है, और दूसरा एक जो चुनावों के अंदर जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनलों का भाई बहुत न्यूज़ वालों का भी गलत प्रभाव पड़ा है, जबकि यहाँ पर यूपी के अंदर का तो मैं बताता हूँ, यूपी के अंदर कहीं पर भी अखिलेश की सरकार का तो मतलब ही नहीं जो उसके सामने टक्कर ले सके, बीजेपी के सामने टक्कर ले सकती है। 22% का जो हमारा वोट है, बहन जी की पार्टी टक्कर ले सकती है। अब इसमें जो मीडिया ने काम करा कि नहीं ये बहन जी नहीं आ रही, अखिलेश आ रहा है, तो उसी बीच के अंदर ये जो न्यूज़ द्वारा अफवाह फैलाई गई कि क्या नाम है यहाँ पर बसपा आ ही नहीं रही, जबकि उसको आगे करा गया जो आई नहीं सकती कभी सीट पर, वो जो कभी टक्कर ले नहीं सकती समय के माहौल के हिसाब से, तो बहन जी का जो वोट है वो उसको गुमराह करने का काम करा न्यूज़ वालों ने। हमने मान्यवर से जुड़े हैं, हम मैं सन 80 से जुड़ा हुआ उनके साथ। मान्यवर जी हमारे साइकिल पर चलते थे, कमीज और पाजामे पहनते थे, तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उससे संदेश हमने यही लिया है कि जो मेहनत हमारे मान्यवर कांशीराम जी ने हमारे लिए करी है, हम उनकी मेहनत को सफल बनाएं और सबको एक करके और उनकी आत्मा को शांति दें। 1980 के बाद आपने करी, 80 के दशक में और अब क्या अंतर नज़र आ रहा है? अंतर इतना आ रहा है कि उस टाइम हमारे साथ कौन जो 10-5 आदमी जुड़ते थे।